क्योंकि ऐसे पत्र यदि सही होते तो ये तो विभाग से निकलता, और बिहार शिक्षा परियोजना के परियोजना निदेशक से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने फोन किया था, मुझे बताया भी कि ये पूर्णतः एक फर्जी पत्र है जो किसी ने शरारत के रूप में इसको सोशल मीडिया में डाला है, और उसी चिंता के स्वरूप आप सब लोग आए हुए हैं और ये बातें हो रही हैं, तो इसमें कोई तथ्य नहीं है। और बिहार शिक्षा परियोजना को यह भी निर्देश दिया गया है कि इस संबंध में साइबर सेल में एक प्राथमिकी भी दर्ज कराएं, ताकि आगे के लिए जो लोग इस प्रकार का कार्य करते रहें उनके लिए एक सबक रहे। ऐसा कुछ विभाग सोच रहा है कि कोरोना के जिस तरह बढ़ रहे हैं मामले अन्य प्रदेशों में, और होली का समय है, लोग आएंगे भी, तो स्कूल को प्रिकॉशन में कुछ ऐसा सोचा जा रहा है क्या? नहीं, होली के समय में तो स्कूल वैसे भी बंद रहते हैं, और काश स्कूल खुले हैं, और ऐसे मामले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसके तहत में इसका निर्णय लिया जाता है, तो ऐसा कोई मामला होगा तो हम इसे CMG में ले जाएंगे और जिस प्रकार का निर्णय होगा उससे सबको सत्सूचित कराएंगे, लेकिन तत्काल कोई निर्णय नहीं है।